नमस्ते दोस्तों, टेरेस गार्डनिंग एंड फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था, उसमें एक बेड जो है धनिया का लगा दिया था। ये जो बेड है, बेड की साइज़ है 7x2.5 फीट का और डेप्थ जो है उसका 6 इंच का है। आज हम लोग ये दूसरा बेड जो है ये तैयार कर रहे हैं और इसमें हम लोग लगाने वाले हैं पालक। ये जो है ये देसी पालक है और इसमें हम लोग बीज कम है तो 3 अलग अलग सब्जियां जो है ऊपर के बेड में लगाने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप बहुत सारी गार्डन से रिलेटेड वीडियो जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी वीडियो शुरू करते हैं। ये जो बीज है इसको पूरी बेड में अच्छी तरह से इसको फैलाना है। ये कहाँ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा होता है तो वो सारा जो है इकट्ठा ही आ जाएगा। फिर इसको ऐसे मिट्टी को ऊपर नीचे जो है कर लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये लगाया है पालक। इसके बाद लगाने वाले हैं सेपू को। इसे हम लोग सेपू बोलते हैं, आप इसको कुछ अलग बोलते हैं तो कमेंट्स करके वो भी बताइएगा। ये है सेपू के बीज, जैसे पालक का डाला है वैसे इसको भी डाल लेंगे। ये छोटे छोटे रहते हैं तो इसको थोड़ा सा लंबा आप फैला सकते हैं। फिर इसको ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। अभी 2 सब्जियां लगा के हुई, अभी लगाएंगे तीसरी सब्जी। ये है तीसरी सब्जी, इसको हम लोग मराठी में आंबटचुका बोलते हैं, हिंदी में इसका कुछ पता नहीं नाम, और ये देसी सब्जी है तो इसको एक लगाएंगे। ये भी खाने में बहुत अच्छी रहती है। तो इसके जो बीज है ऐसे एक एक करके लाइन से डाल के फिर उसको दबा देंगे। इसको ऐसे चार चार ऐसे भी लगा सकते हैं, 2-2 चार चार बीज। इस तरह से इसको दबा देना है। फिर ये साइड में और एक सब्जी जो है वो लगा देंगे। यहाँ पे और जो है थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और फिर यहाँ पे भी एक सब्जी आराम से हो सकती है। तो इस तरह से ये जो है सब्जियाँ मैंने लगाई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।